एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ करना अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर कीजिए, नहीं तो टाइम चला जाता है और आप वहीं रह जाते हैं। इसलिए अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल लें। तो मेरी एक वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप दो छुट्टियों में एक होम मेकर वीडियो ज़रूर डालें। तो मुझे भी अच्छा लगा सुनकर, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं दो छुट्टियां बनाऊंगी तो लोग गलत कमेंट करेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। फिर मैंने 15 से 30 मिनट बाद मैंने डिसीजन लिया कि जब मुझे अच्छा लग रहा है तो क्यों ना करूं, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है दूसरों की टांग खींचना। तो अपनी पसंद का कुछ भी नहीं कर पाएंगे दूसरों की सोचेंगे तो इसलिए सब क्या सोचेंगे ये सब छोड़ो और जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो चलिए यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ दो छुट्टियाँ बना के, और अपने घर को अब अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, और आज सबसे पहले करेंगे हम किचन की क्लीनिंग। जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं और उसके बाद किचन की हालत पूरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि किचन में जब कुकिंग करते हैं तो सामान इधर से उधर हो ही जाता है। चाहे हम कितना भी सामान को ढंग से रखने की कोशिश करें, पर जब कुकिंग में सामान लगता है तो वो काउंटर टॉप में रह ही जाता है। अगर आप भी मेरी तरह खाना बनाते समय काउंटर टॉप में सामान रख देते हैं या रह ही जाता है, और उसके बाद उस टाइम पे क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो आप मेरी तरह बाद में भी क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट किया या लंच या डिनर कुछ भी करते हैं तो उसके खाना खाने के बाद तुरंत किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दें, क्योंकि जब किचन साफ़ सुथरा रहेगा तो हमारा किचन में आने का भी मन करता है। और किचन पूरी भरी भरी रहेगी तो घर वाले भी परेशान कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी अपने किचन की, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान है उनको साइड में कर दूँगी। तो आज मैंने सोचा अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ, और जो मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र है उसका यूज़ करूँगी, क्योंकि जो सामान छोटे छोटे होते हैं उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र मैंने ये लिया है। वैसे तो मैंने कई किचन में देखा है ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी यूज़ होता है, यूज़फुल है। इसमें कई छोटे छोटे सामान हमारे एडजस्ट हो जाते हैं। नीचे वाला जो रैक है उसमें मैं कांच के जो गिलास होते हैं उनको रख दूँगी, क्योंकि कांच के गिलास कभी भी घर में कोई गेस्ट आता है तो बार बार उनको डब्बे से निकालना पड़ता है। तो ये अच्छा सेक्शन है जिसमें कांच के गिलास रह जाते हैं। और जो दूसरा सेक्शन है उसमें मैं रख दूँगी छोटे छोटे अपने डब्बे जो किचन में बार बार यूज़ होते हैं। वैसे तो किचन में कई सामान होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज़र है जिसमें हम सामान रख सकते हैं। और इसमें मतलब कम जगह लेता है ये, और आइटम ज़्यादा आ जाते हैं इसमें। तो ये मेरे मिक्सी के जार भी हैं इसमें, और जो ये वाला ऑर्गेनाइज़र है प्याज कट करने वाला वो भी इसमें मैंने रख दिया है, और यहाँ पे मैंने रख दिया है ऑयल का डब्बा भी रख दिया है। तो इसको अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, कॉर्नर को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए मैंने ये रख दिया है एक फ्लावर पॉट। तो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर और ये जो ऑर्गेनाइज़र है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा ये रखा हुआ है मैंने, जो ये जो दूसरा आइटम है ये चॉपर का डब्बा है। ये चॉपर मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए रख दिया था इसे। तो इसमें मेरे जो नाइफ़ रहते हैं और कई चीज़ें होते हैं छोटे छोटे आइटम किचन के, तो वो मैंने उसमें रख दिए हैं। और तीसरा जो ये है मेरे कपों का स्टैंड है, तो इसको भी अच्छे से, कप का स्टैंड भी बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कपों को एक सामने रखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने रख दिया है। तो चलिए ये जो कॉर्नर है ये पूरे अच्छी तरीके से मैंने क्लीनिंग कर दी है और अच्छे से डेकोरेट करके रख दिया है। तो चलिए अब बारी आती है बर्तन धोने की। तो यहाँ पे जो सामान एक्स्ट्रा सामान है पहले उनको मैं साइड कर लूँगी, साइड में लगा दूँगी। और जो मैंने सुबह ये छाँछ छोली थी तो घी को मैंने रख दिया है गैस के ऊपर तब तक, क्योंकि बाद में उसे घी गलाने के लिए रखूँगी मैं। और उससे पहले कर लेते हैं हम बर्तन की क्लीनिंग, अच्छे से बर्तनों को धो लेते हैं, क्योंकि सिंक पूरा भरा हुआ है तो फटाफट से बर्तन निकाल देंगे और सिंक को खाली कर देंगे, क्योंकि भरा हुआ सिंक भी है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब सिंक खाली होगा तो सिंक की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने वो मशीन भी रखी है छाछ फेंटने वाली, और उसको भी मैंने हैंड टू हैंड धोना है क्योंकि उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर वो छोड़ूंगे तो उसमें उसके छेदों में जो छाछ होती है वो फंस जाती है, तो इसलिए फटाफट से हाथों हाथ इसको भी धो लेंगे और इसको मैं धूप में सुखाने के लिए रख दूंगी, क्योंकि जो इसका प्लेट है वो लकड़ी की है, वो उसको अगर साफ़ करके ना धोएं तो लकड़ी सड़ने का डर रहता है, तो फटाफट से इसको धो लूँगी, वॉश करके इसको धूप में सुखाने के लिए रख दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए हैं और सिंक की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। हमें अपने किचन को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कोई भी हमारा किचन देखे तो वो हमारी तारीफ़ किए बिना रुक ना पाए। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करा है और क्लीन करा है। तो ये है मेरे किचन का पूरा लुक, आप देख सकते हैं काउंटर टॉप को मैंने बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो बारी आती है मेरे रूम की, तो रूम में सबसे पहले जो हमें क्लीन करना चाहिए वो हमारा बेडरूम बेड है। तो बेड को अच्छे से साफ़ रखेंगे तो हमारा रूम ऑटोमेटिक ही साफ़ सुथरा दिखने लगता है। तो यहाँ पे मैंने आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट नई दूसरी वाली ले आई हूँ और इसको अच्छे से इसमें बिछा दूँगी। तो सबसे पहले अपने घर का बेड बनाना, खूबसूरती से बेड बनाना, क्योंकि ऐसा करने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि वैसे भी हमें सुंदर चीज़ जो होती हैं वो जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो बेडशीट को बेड में अच्छे से बिछा दें ताकि उसमें कोई सरवटें ना पड़ी हों, सरवटें हों तो उनको अच्छे से प्रेसिंग करके ठीक कर दें ताकि हमें अपना बेड बिल्कुल खूबसूरती से बना हुआ दिखे। तो चलिए यहाँ पे मैंने बेडशीट अच्छे से बिछा दी है बेड में और आप देख सकते हो बेड का लुक। तो चलिए चलते हैं विंडो की तरफ, और विंडो में भी कोई सामान हमें नहीं रखना चाहिए, पर जहाँ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वहाँ सामान विंडो में आ ही जाता है, क्योंकि बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स वहीं रख देते हैं या फिर छोटा मोटा सामान जो भी होता है वहाँ रख देते हैं बच्चे, क्या कई बार हम भी वहीं रख देते हैं कि इधर उधर जाने में आफत मानते कि उस रूम में कौन जाए, और यहीं विंडो में रख देते हैं। तो चलिए विंडो हमारी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि वहाँ से जो एयर आती है उसके लिए हमें विंडो बार बार खोलनी पड़ती है, और विंडो भी तभी खुलेगी जब हमारी खिड़की क्लीन रहेगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने विंडो को अच्छे से क्लीन कर दिया है और वहाँ पे जो सामान था वो भी उसी जगह उनकी जगह पे उन्हें अरेंज कर दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लीनिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने करना है अपने ड्रेसिंग शीशे की क्लीनिंग, और यहाँ पे जो शीशे के सामने सामान बाहर है उसको अच्छे से अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी मैं, क्योंकि मेरा जो सामान रहता है वो अंदर ही रहता है, इसके ड्रेसिंग शीशे के ड्रॉर बने हुए हैं इसमें, तो ड्रॉर के अंदर रखती हूँ मैं अच्छे से अरेंज करके। आप क्लीनर की मदद से अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे शीशे की, और जो मेरे हाथ में है वो टॉवल का टुकड़ा है तो उससे अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और साफ़ करके हो जाती है, तो इससे कि मेरा जो शीशा है वो बिल्कुल चमक जाता है, शीशे में अच्छे से शाइन आ जाती है, क्योंकि शीशे में बार बार हाथ लगते हैं तो उसे दाग पड़ जाते हैं, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो शीशा चमक जाता है, और इसी से मैं अपने पूरे ड्रेसिंग शीशे की क्लीनिंग कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मेरे शीशे की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। घर की जो लास्ट क्लीनिंग होती है वो है मॉपिंग, तो यहाँ पे फटाफट से मैं कर लूँगी मॉपिंग। पहले मैंने किचन जो सॉरी जो मेरा दरवाज़ा है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ये वाला जो मॉपिंग है उससे अच्छे से डोर साफ़ हो जाता है, तो इससे फटाफट से कर दिया मैंने, और वैसे मैंने झाड़ू लगा दिया है और उसके बाद मैं मॉपिंग कर रही हूँ, उसकी वीडियो नहीं डाली मैंने क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से पूरे रूम की मॉपिंग। जहाँ तक संभव हो घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें और एक प्लान बनाकर ही अपने घर के कामों को करना शुरू करें। अगर आपका घर व्यवस्थित रहेगा तो घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर सामान फैला हुआ है तो जब भी आपको टाइम मिले आप उस काम को ज़रूर करें, उन्हें उनकी सही जगह पर रखें ताकि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे। तो चलिए यहाँ पे मैंने पूरे रूम में मॉपिंग कर दी है, और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था क्योंकि
आजकल सर्दियों का मौसम है, पोछा सूखने में टाइम लगता है, तो फटाफट फैन ऑन कर दिया तो पोछा भी जल्दी सूख जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो मेरे आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं उनमें मैं परफ्यूम डाल देती हूँ ताकि घर में हल्की हल्की महक आती रहे। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले।